पार्टनरशिप का हमारा क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप अकाउंट्स का इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो नंबर 15:21 का कहता है जी, एलेक्स एंड बैरी हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। इंटरेस्ट इज पेबल टू द पार्टनर ऑन देयर लोन एट 10% पर एनम। अच्छा, पार्टनर के लोन पर भी इंटरेस्ट है 10%। मैंने कल भी लिखवाया था, फिर लिखवा देता हूँ, सो दैट यू मे रिमेम्बर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड कम्स इन इनकम स्टेटमेंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड कम्स इन इनकम स्टेटमेंट एंड विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स के जो रिस्पेक्टिव पार्टनर उसे करंट अकाउंट में क्रेडिट भी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं 5% पर एनम है। बैरी इज टाइटल टू ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% है। प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1। फॉलोइंग बैलेंसेज आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एट 31 मई। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। करंट अकाउंट दिया हुआ है, एक का क्रेडिट है, एक का डेबिट है, और लोन अकाउंट भी दिया हुआ दोनों का, इसीलिए ताकि 10% इंटरेस्ट फाइंड कर सकें। 15,000 का 10% कितना आएगा? 1,500। और 16,000 का 10% कितना आएगा? 1,600। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ड्रॉइंग्स कितने की दी? एलेक्स की 5,000 है और बैरी की 12,000 है। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ लोन इंटरेस्ट द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई वॉज 90,000। इट मीन्स कि यू डोंट नीड टू माइंड सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एलेक्स 1,500 एंड बैरी 1,600, 10% ऑफ लोन, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड रिगार्डिंग द इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड द लोन हैज बीन सब्ट्रैक्टेड एंड आफ्टर द लोन इंटरेस्ट द प्रॉफिट इज 90,000। रिक्वायर्ड क्या है जी? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपने, करंट अकाउंट बनाने हैं आपने, बनाते हैं इसको हम। इधर हमारा बनेगा जी प्रॉफिट एंड लॉस। ओहो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डॉलर के साइन आ जाएंगे। स्टार्ट किसे करेंगे? सुनहरा हम प्रॉफिट फॉर द ईयर से दिया हुआ है आफ्टर लोन इंटरेस्ट 90,000 का। अगर लिखा होता ना बिफोर लोन इंटरेस्ट तो आपको लोन इंटरेस्ट फिर माइनस करना पड़ना था, लेकिन क्योंकि उसने बताया कि लोन इंटरेस्ट हम माइनस कर चुके हैं, लिहाजा हमें फिर उसकी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या ऐड कर देते हैं बेटा? सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाता है और करंट अकाउंट में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। दोनों का है, मैं ए और बी यूज करूंगा, एलेक्स और बेरी। एलेक्स का देखिए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 4% ऑन द एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स कितनी है उसकी? उनकी 5,000 एलेक्स की, और बेरी की 12,000 है। हम निकाल लेंगे 5,000 का 4%, ये आ जाएगा 200, और हम निकाल लेंगे 12,000 का 4%, ये कितना आ जाएगा 480। दोनों को ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा जी 680। टोटल कर लेंगे आपको आ जाएगा 9,068। उसमें से लेस कर देंगे बेटा हम क्या भला, सैलरीज, सैलरीज टू पार्टनर। एक्चुअली देखते हैं किसी पार्टनर को सैलरी हम पे कर रहे हैं। आइदर वी आर पेइंग एनी सैलरी टू द पार्टनर, यस वी आर पेइंग। डेरी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। तो सैलरी इज बेसिकली 6,000 पर एनम एंड हैज टू बी पेड टू डेरी ओनली। तो डेरी लिखकर हम उसकी सैलरी यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे 6,000।
6,000 माइनस कर देंगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 84680, ठीक है, 84680। इसमें से हम बेटा लेस कर देंगे क्या भला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से माइनस हो रहा है ना, करंट अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने मींस क्रेडिट साइड पे आएगा, सब्ट्रैक्ट होना मींस डेबिट साइड पे आएगा, तो ड्राइंग्स भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट साइड पे आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। कैपिटल अकाउंट कितने दिए हुए, एलेक्स का 90,000 है, बैरी का 60,000। 90,000 पे निकालते हैं 5%, ये आ जाएगा 4,500। और उसका है जी कितना है, एक मिनट, 60,000 का 5%, ये आ जाएगा 3,000। ये हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा जी 7,500। ये माइनस कर देंगे हम, 84680, -7,500, तो आ जाएगा 77180, ठीक है जी। 77180 हमारे पास क्या आ गया, इसे हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट शेयर ए का और बी का, यानी एलेक्स और बैरी का शेयर कर देंगे, प्रॉफिट जो आ गया आपके पास 77180। उनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, ये दी हुई है 3:1, इसको आप शेयर कर देंगे 3/4 और 1/4 के हिसाब से। 77180 का, सॉरी, 3/4 और 77180 का 1/4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक का इसका आता है जी 57885, 57885, और दूसरा जो है 19295, 19295। इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो द प्रॉफिट शेयर विल स्टिल बी द सेम, दैट विल अगेन कम 77180। दिस इज हाउ वी यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन। अब हमने क्या बनाने हैं, हमने बनाने हैं जी पार्टनर्स करंट अकाउंट, बना लेते हैं। किस का बनाना है जी, हमने एलेक्स का, डेरी का, और फिर दोबारा हमने बनाना है किसका, एलेक्स का और डेरी का। तो ये हम करंट अकाउंट डेवलप कर लेते हैं इनके। करंट जी, सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा आपको लिखना पड़ेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस ये दिया हुआ है, एलेक्स का 14,000 क्रेडिट है, इट मीन दैट ही हैज प्रॉफिट इन हिज करंट अकाउंट, जबकि बैरी का 12,500 डेबिट है, इट मीन दैट ही हैज सस्टेन्ड ए लॉस। तो एलेक्स का आ जाएगा जी 14,000 क्रेडिट, और बैरी का आ जाएगा जी 12,500 डेबिट। अब आ जाएगा आपका क्या भला, प्रॉफिट शेयर क्रेडिट साइड पर, और क्या आ जाएगा जी, सैलरीज आ जाएंगी बैरी की है सिर्फ, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा। ये सारी चीजें क्रेडिट साइड पे आती हैं, क्योंकि तो इससे आपका जो करंट अकाउंट है उसमें इजाफा होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स जो है वो डेबिट साइड पे आपकी आ जाती है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयर की बात कर लेते हैं हम, वो कितना कितना मैंने निकाला हुआ है, 57885, इसका आ जाएगा 57885, और दूसरे का आपका आ जाएगा जी 19295। सैलरी सिर्फ बैरी को मिल रही है बेटा, उसके अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट होंगी,
उसका करंट अकाउंट इससे इंक्रीज कर जाएगा कितने से, 6,000 से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियसली दोनों को मिल रहा है, दोनों के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,500 का और 3,000 का, क्योंकि उनसे उसके करंट अकाउंट में इजाफा हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय द पार्टनरशिप टू द पार्टनर्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वो इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, लेकिन वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट तो बन चुकी है, प्रॉफिट में से माइनस भी हो चुका है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 10% है पार्टनर के लोन का, वो हमें करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना है। उनके अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि तो ये लोन पे इंटरेस्ट बिजनेस ने, पार्टनरशिप बिजनेस ने पार्टनर्स को देना है। 15,000 का 10% आता है 1,500 और 16,000 का 10% आता है 1,600। इधर आ जाएगा जी 1,500 और 1,600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी यहाँ पे डेबिट हो जाएंगी उनके अकाउंट्स में से, ये पैसे डिडक्ट होने, माइनस होने हैं, क्योंकि उनको ये चार्ज किया जा रहा है, उनको पिनलाइज किया जा रहा है, उनको पेनल्टी दी जा रही है डिस्करेज करने के लिए कि वो ड्राइंग्स मत करें। ड्राइंग्स कितनी है, एलेक्स की ड्राइंग्स है बेटा 5,000 और बैरी की ड्राइंग्स कितनी है, 12,000 क्वेश्चन में हमें दी हुई है। दैट्स इट, इसका बेटा टोटल कर लेंगे हम, टोटल करके हम इसकी दोनों साइड में जो बड़ी साइड होगी वो माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कैरी डाउन जो है वो आ जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेडली कैरी डाउन इधर ही आपका आ रहा है पॉजिटिव, और वो फिर अगले साल का क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन। टोटल करें इसका कितना आता है जी, राइट साइड का टोटल करें कितना आता है, सर बी का है 29895 बी का। 29895। इधर भी आपका आ जाएगा जी 29895, ये माइनस कर दें, -12,000 बल्कि -24,500 है और फिर 24,980 है, 24,980 माइनस कर दें इसमें से, सर 4915 आ जाएगा 4,913। दूसरे का निकाल लेते हैं,7,785। 7,785। इधर भी आपका आ जाएगा बेटा 7,785 और ये 5,200 माइनस कर देंगे इसमें से, क्या आ जाएगा आपका, 6,85 है ना, दे 7,268। ये हमने अप्रिपिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो बना के दिखा दिया। एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो अब पेपर में रिक्वायरमेंट में हमसे वो नहीं पूछता, इसलिए मैंने उसको अकाउंट फॉर भी नहीं किया और ना ही मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया है तो वो कैसे बनाया जाना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया, अप्रिपिएशन अकाउंट कहता है बनाना आपने, फिर कहता है एलेक्स प्रिपेयर द करंट अकाउंट ऑफ एलेक्स एंड बेरी, दोनों के बना के मैंने दिखा दिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मई जून 1821 का, आशिर बो एंड चैन आर इन पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट फिर दिया हुआ है 12% और चैन रिसीव ए सैलरी ऑफ 1,000, कैपिटल अकाउंट दिए हुए, करंट अकाउंट है, ड्रॉइंग्स हैं और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है छोटी सी, फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है और फिर आपको करंट अकाउंट बनाना है, तीनों का। घर में आप इजीली खुद ये सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह 31 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पे है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना है और करंट अकाउंट आपने बनाने हैं, आमना कर उसका। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज होता है या ख़त्म होता है, क्योंकि आपके इसमें बस यही क्वेश्चन हैं जिनके बारे में क्वेश्चन हमें जो है वो रिक्वायरमेंट पेपर में आती है, या आपने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करनी है। ये हमजा नूर का क्वेश्चन था एक, ये भी बड़ा आसान है, मई जून 21 का और ये मैंने आपको करवाया, बल्कि अब ये सवाल एक कर लेते हैं हम, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो ज़रा इसको हम एक दफ़ा
देख लेते हैं। मई जून 11-21 का सवाल है ये। ठीक